स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में यूनिट 14 जिसका नाम है ओसिलेशन। ओसिलेशन हमारी डेली लाइफ में क्या अहमियत रखती है, क्यों हम इसका स्टडी करते हैं, आज इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इन डेप्थ जानना शुरू करेंगे। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग इंट्रोडक्शन यानी कि छोटी छोटी पार्ट से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर में ये जो ओसिलेटरी है वो हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंस होती है। ठीक, चलिए देखिए। ये जो पहला हमने टॉपिक डाला इसका नाम है पीरियडिक मोशन। पीरियडिक का मतलब समझ में आता है कि पीरियड का मतलब होता है आवर्त, मोशन का मतलब होता है गति, यानी कि आवर्त गति। वो गति जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, तो एक फिक्स समय अंतराल पे उसी गति को वो दोहरा रहा हो, इस प्रकार का गति को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियडिक मोशन कहा जाता है। समझ में आया बात? जैसे कि मान के चलिए ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ, ये देखिए यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, इस डायरेक्शन पे चल के फिर से कुछ समय बाद में यहां पे पहुंचेगा। पकड़ पा रही है? मान के चलिए कि यहां से इसको एक कंप्लीट साइकिल करने में कितना समय लगा, टी समय लगा, तो दूसरा जो साइकिल कंप्लीट करने में भी उसका कितना समय लगेगा, टी ही समय लगेगा। मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड पे वो क्या कर रहा है, उस मोशन को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है बार बार। समझ पाई मेरे बात को? कि यहां से अगर हम एक्चुअल का एग्जांपल लेके चले, जैसे कि अर्थ सन को क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो 365 दिन पे वो क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है। अगला साल आने वाला समय में भी वो 365 दिन में एक बार क्या करेगा, चक्कर को, मतलब अपना चक्कर को कंप्लीट करेगा। तो ये क्या कहलाया आपका, पीरियडिक मोशन कहला है, कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ समय पे, टाइम पे वो क्या कर रहा है, उस समय को रिपीट कर रहा है। समझ पाई बात को? और इस प्रकार का गति, इस प्रकार का मोशन क्या कहलाता है आपका, पीरियडिक मोशन कहलाता है। समझ पाई बात को? यही चीज यहां पे लिखा गया है। देखिए ये मोशन डायरेक्ट रिपीट इटसेल्फ, अपने आप क्या करेगा, वो दोहराएगा, रिपीट करेगा, एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। इसमें आपका जो टाइम इंटरवल होगा वो कम ज्यादा नहीं होगा, टाइम इंटरवल क्या होगी, फिक्स होगी। समझ पाई बात को? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब पीरियडिक मोशन तो हम समझे, लेकिन ओसिलेटरी मोशन क्या है? ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जहां से क्या करना, क्या वो चलना शुरू किया है, उसका आगे और पीछे। मेरा बात पकड़ में आया? यस सर। कोई ऑब्जेक्ट अपना मेन पोजीशन से क्या किया, मूव करना शुरू किया, स्टार्ट किया, लेकिन उसका मूव कहां पे होगा, अब उसका जो मेन पोजीशन होगा उसका आगे, और जितना दूर आगे गया है उतना ही दूर पीछे, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। बात पकड़ में आया? यहां पे समझिए, आप इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन मान सकते हैं। मान के चलिए, ध्यान से देखिए इसको, ये देखिए ये आपका सिंपल पेंडुलम हो गया। yes, सिंपल पेंडुलम हो गया। अगर आप इसको यहां तक लेके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये यहां तक गया, क्लियर। अब ये जितना दूरी गया, ये इसका क्या है, मेन पोजीशन है, ये पॉइंट इसका क्या है, मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन से जितना ये क्या गया है, प्रो गया है, आगे की ओर गया है, उतना ही टू जाएगा, यानी कि बाइक बाइक की ओर जाएगा, यहां तक जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। बात समझ में आ गया? yes, sir. इसी प्रकार का जो मोशन है, उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसको हम और इन डेप्थ समझेंगे। समझ पा रही है? ध्यान से समझिएगा, इसको हम यहां पे समझाने का कोशिश करते हैं। ये आपका सर्कुलर पाथ हो गया। yes, ठीक, सर्कुलर पाथ तो दो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपका एक्स हो गया, ये डायरेक्शन क्या हो गया, वाई हो गया, क्लियर।
यहां से मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू किया। अब मूव करना शुरू किया तो इसमें कैसा वेलोसिटी है, कैसा वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है कि वो वेलोसिटी वेलोसिटी तो करेगा लेकिन साथ में क्या क्रिएट करेगा, एंगल क्रिएट करेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। बात पकड़ में आ रहा है यहाँ पे? तो ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, मान के चलिए कुछ समय बाद में यहां पे पहुंचा, समझ पा रही है? तो यहां पे पहुंचा तो आप क्या देखे, यहां पे ये क्या बनाया, एंगल बनाया, और इस एंगल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा का मतलब क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी से बना हुआ कोण को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। जब ऑब्जेक्ट हमारा इस पोजीशन पे था तब आपका टाइम क्या था, जीरो। ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचा कुछ समय तो लगा होगा, उस समय को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो टी समय में आपका ये एंगल ट्रेस हुआ, इसलिए इस एंगल को हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा टी लिखा जाता है। क्या बात समझ में आया? ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो एंगल बना है। टी का मतलब टाइम के साथ, इसलिए यहां पे बना हुआ एंगल क्या कहलाती है, ओमेगा टी कहलाती है। बात पकड़ में आया? अब चलिए आगे। अब मान के चलिए कि इस पोजीशन को हम मान के चलिए इसको हम क्यू मान लेते हैं, इसको क्यू डैश मान लेते हैं, दोनों एक ही चीज है। यहां पे था उस समय ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम क्या माने, क्यू। जब यहां पे पहुंचा तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमने क्या मान लिया, क्यू डैश माना। अब हमसे कोई पूछे कि यहां पे क्यू डैश का पोजीशन क्या है, पकड़ पा रही है मेरे बात को, क्यू डैश का पोजीशन क्या है, तो क्यू डैश का पोजीशन को बताने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ध्यान से देखिए कि ये वाला जो वाई डायरेक्शन है उसको फुट मानेंगे और इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या मेरा बात पकड़ में आया? और ये तो आपका ओरिजिन क्या है, ओ ही है, तो ओ से वाई डायरेक्शन पे 5 सेंटीमीटर पे है या 10 सेंटीमीटर पे है, इस तरह से हम इसका पोजीशन को बता सकते हैं। बात पकड़ में आया? आप मान के चलिए ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे रहा, एक ऐसा भी समय था ना कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे रहा होगा, तो यहां पे रहा होगा तो देखिए इसका पोजीशन यहां पे है कि नहीं है। जब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे पहुंच जाएगा तो इसका पोजीशन यहां हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जब इस डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा होगा तो इसका ये जो पॉइंट है, मान के चलिए कि हम इसको क्या मान लेते हैं, P1, इसको P2, इसको P3, इस डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, समझ पा रही है? ऑब्जेक्ट आपका यहां पे था तो पॉइंट भी कहां पे मिला, यहां पे। ऑब्जेक्ट और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो आपका पॉइंट कहां पे मिला, P2, यहां पे मिला, तो यहां पे पॉइंट मिला। मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट आपका फिर यहां पे पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो पॉइंट कहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा तो आपका पॉइंट फिर से यहां पे आएगा। अब क्या हुआ यहां पे, अब क्या ऑब्जेक्ट का कर पाए कि जब ऑब्जेक्ट हमारा किस डायरेक्शन से इधर मूव कर रहा था होगा तब इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो किस डायरेक्शन पे बढ़ रही थी, है कि नहीं है? जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां से जब इधर आने लगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप किधर आने लगा, नीचे की ओर आने लगा, ध्यान से देखिए, है कि नहीं है? फिर ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचेगा तो इसका लोकेशन फिर यहां से आएगा, मतलब ये यहां से इस डायरेक्शन पे आएगा, है कि नहीं? अब यहां पे आया तो ये जीरो हो गया, पकड़ पा रही है? ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो इसका लोकेशन इस तरह से इस डायरेक्शन पे शुरू हुआ नीचे की ओर, है कि नहीं? यहां पे आया तब और इस लोकेशन पे, जब ये ऑब्जेक्ट घूमते घूमते यहां पे पहुंचा तब क्या होगा, यहां ये वाला पॉइंट तभी सेम है, जब ये ऑब्जेक्ट फिर यहां पे पहुंचा तो यहां से इसका जो डिस्प्लेसमेंट था अब किधर जाने लगेगा, ऊपर की ओर जाने लगेगा। तो अब क्या देखें, ये जो आपका जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया वो समय के साथ में क्या कर रहा है, एक बार इधर जा रहा है और उसी समय में एक बार नीचे आ रहा है,
फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो क्या इस प्रकार का मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं? समझ पाई बात को? यहां पे हम क्यू की बात नहीं कर रहे हैं, क्यू यहां पे ऑसिलेटरी मोशन को नहीं दिखा रहा है, बात पकड़ में आ रहा है? क्यू हमारा सर्कुलर मोशन को दिखा रहा है। क्यू किसको दिखा रहा है? सर्कुलर मोशन को दिखा रहा है। लेकिन ये जो आपका पी जो दिखाई देता है, ये पी किसको दिखा रहा है? आपका ऑसिलेटरी मोशन को दिखा रहा है। बात पकड़ में आया यहां? क्लियर? ऑब्जेक्ट तो आपका गोल गोल घूम रहा है, लेकिन पी का जो पोजीशन हमने मान के रखा है वो एक बार किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। फिर किधर आ रहा है? नीचे की ओर। फिर ऑब्जेक्ट किधर जाएगा तो किधर जाएगा? ऊपर की ओर। इधर घूमेगा तो किधर आएगा? नीचे की ओर। तो केवल ये जो आपका मोशन है वो कैसा कर रहा है? इस तरह से कर रहा है, आगे और पीछे। यही तो लिखा गया है यहाँ पे, देखिए ऑसिलेटरी मोशन। इन दिस मोशन ऑब्जेक्ट मूव टू प्रो टू एंड फ्रो, यानी कि पीछे और आगे, अबाउट दी मेन पोजीशन कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ये पॉइंट इसका क्या है? मेन पोजीशन। मेन पोजीशन का एक बार आगे और एक बार पीछे जा रहा है। इस प्रकार का मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये आपको सिंपल पेंडुलम में भी दिखाई देता है। ये पॉइंट आपका क्या है? मेन पोजीशन, एक बार आगे और एक बार पीछे। पकड़ में आया बात? Yes, इसको हम और डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन सिर्फ अभी हम मोशन सीख रहे हैं, इसलिए मोशन को ही चलेंगे। क्लियर? Yes, बात यहाँ पे ये भी उठती है कि जिसे जैसे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है, वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होते जाती है? बढ़ते जाती है। समझ में आया मेरा बात? नहीं समझ पकड़ पाई? यहां से इसका यहां तक आपने उठाया तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना दूर हुआ। अगर इस डिस्प्लेसमेंट को हम बढ़ा देंगे तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएंगे उतना वो क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन मेन पोजीशन पे तो डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। तो वेलोसिटी कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए फिजिक्स की भाषा में। बात को पकड़ रही है? हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा करते जाते हैं वेलोसिटी बढ़ते जाती है। क्लियर? Yes. लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? Yes. तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। तो वहां पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लेकिन क्या जीरो होती है? होती है जीरो? नहीं होती है। इसको हम आगे जाके बताएंगे क्यों जीरो नहीं होती। हालांकि यहाँ पे फोर्स लगने वाला फोर्स उस समय क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन मोशन जीरो क्यों नहीं होता है हम आगे जाके बताते हैं। अभी सिर्फ मोशन सीख रहे हैं। ठीक, चलो। तो हमको लगता है कि आप पीरियडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए, यहाँ पे एक हम नोट करके लिख दिए हैं, आप इसको भी थोड़ा सा कॉपी में लिख लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है उसको समझिएगा। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियडिक मोशन, मतलब हर एक ऑसिलेटरी मोशन आपका क्या हो सकता है? पीरियडिक मोशन हो सकता है। बट एवरी पीरियडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी मोशन। बात पकड़ में आ गया होगा कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन आपका पीरियडिक मोशन होगा, लेकिन हर पीरियडिक मोशन आपका ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। बात पकड़ में आया? और ये बातें यहाँ पे आपको दिखाई देती है, है कि नहीं? ये जितना बार क्या करेगा बताइए? पीरियडिक मोशन करेगा उतना बार आपको ऑसिलेटरी मोशन दिखाई देगा, है कि नहीं? ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियडिक मोशन। जब ये ऑसिलेट करेगा तो ये क्या करेगा? पीरियडिक से पीरियडिक मोशन भी बोल सकते हैं वो। Yes. क्योंकि पीरियडिक मोशन का डेफिनेशन क्या है हमारा? इंटरवल, मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। और ये किसको दूर आ रहा है? फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम को ही तो दूर आ रहा है। जरूरी नहीं है कि वो गोल गोल ही चक्कर लगाए, बस वो उसका जो इंटरवल है वो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे एवरी पीरियडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी मोशन। जरूरी नहीं है कि आपका हर पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन आपका पीरियडिक मोशन होता है। आप ये चीज को गांठ बांध लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी और जानकारी हम लोग ले लेते हैं
कि डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेशन क्या अंतर है। ये दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है बेसिकली। ऑसिलेशन का मतलब क्या समझे आप, कि कोई ऑब्जेक्ट आपका मेन पोजीशन से एक बार आगे और एक बार पीछे है कि नहीं है। जैसे कि ये है हमारा अभी, ये क्या है आपका मेन पोजीशन है कि नहीं है, तो एक बार आगे एक बार पीछे, ये क्या कहलाया आपका ऑसिलेटरी मोशन। पकड़ में आया बात। तब वाइब्रेशन हम किसको कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन को ही वाइब्रेशन कहते हैं। ये लिखा हुआ है देखिए, नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन में कोई भी सिग्निफिकेंट मेजर डिफरेंस नहीं होती है। बात पकड़ में आया। सिर्फ इसमें दो ही पॉइंट को हम लोग लेके चलेंगे। अगर आपका लो फ्रीक्वेंसी है, क्या बात पकड़ में आया, लो फ्रीक्वेंसी है तो क्या कहेंगे उसको, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसे धीरे धीरे, ये क्या कहलाया आपका ऑसिलेटरी मोशन। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो क्या करेंगे हम, वाइब्रेशनल मोशन। आपके पास स्केल है क्या? नहीं। देखो ये क्या करेगा, देखिए देख रहे हैं इसका फ्रीक्वेंसी तो आप देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी है। और ये हाई फ्रीक्वेंसी है तो ये मोशन को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे, ना कि ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। क्या कर रहा है ये, एक बार आगे गया एक बार पीछे गया, आगे गया पीछे गया, ये तो कर रहा है। देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। और हम इसको ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसको वाइब्रेशनल मोशन, और कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है। बात पकड़ में आया, नोट कर लिए होंगे आप। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म पे SHM कहा जाता है। समझ में आया। यहाँ पे जो हार्मोनिक, ये जो क्या दिखाई देता है आपको, हार्मोनिक, ये एक्चुअल में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है ये वर्ड। किससे लिया गया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हार्मोनियम कहते हैं, पता है ना। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लेने का एक कारण है कि आपको पता होगा सा रे गा मा पा, फिर और वो क्या करेगा, वर्ड को रिपीट करेगा। फिर और उतना दूर बोलने के बाद में फिर और उस वर्ड को क्या करेगा, रिपीट करेगा। बात पकड़ में आया मेरा। सा रे गा मा पा का बोलते हैं ना, हर एक बार लाइन बोलने के बाद में फिर और आप शुरू से बोलना शुरू करते हैं, फिर आखिरी फिर और शुरू। मतलब क्या समझे आप, कि एक इंटरवल टाइम पीरियड में आप उसको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यहां पे हमने ऑसिलेटरी मोशन देखे कि नहीं देखे, वो भी क्या काम कर रहा था, कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे उस चीज को रिपीट कर रहा था। जैसे कि यहां पे म्यूजिक रिपीट कर रहा है, सारे गा मा पा, फिर और सारे गा मा पा, है कि नहीं है। इसीलिए इसको हम SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। किसको, ऑसिलेटरी मोशन को। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसका पार्ट है, ऑसिलेटरी मोशन का पार्ट है। ऑसिलेटरी मोशन में भी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करता है, वो दोहराता है, जैसे कि हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सारेगा मापा दोहराता है। इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन को SHM कहा गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर। इसीलिए तो इसका डेफिनेशन भी लिख दिया गया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि SHM इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का सरलतम रूप क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है, जैसे कि आपका सारेगामा पा, है ना। जो लोग म्यूजिक सीखते हैं वो लोग को ज्यादा बेटर जानकारी होती है इसके बारे में, क्या उसमें किस तरह से बजाते हैं। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि वहां भी वो वर्ड को क्या किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है, और वहां से तरह तरह की सरगम निकलती है कि नहीं। चलिए अब दूसरी चीज और एक सवाल यहां पे खड़ी होती है कि अब कोई मोशन वहां पे कर रहा है तो आप उसको कैसे पहचान करेंगे कि यही हमारा
SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या कोई दूसरा मोशन है कि नहीं है? पहचान करने का तरीका आपको आना चाहिए ना, कि आप उसमें प्रूफ दिखा सकें। मान के चलो शालिनी बहुत अच्छी लड़की है, तो हम बोल तो दिए कि अच्छी लड़की है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए कि हम उसको प्रूफ कर सकें कि वो एक अच्छी लड़की है कि नहीं। तो उसी तरह से वहां पे कोई क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है? बात पकड़ में आ रहा है मेरा? तो उसको पकड़ने के लिए देखिए, हाउ यू आइडेंटिफाई द मोशन इन SHM, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो? हमको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअल में कौन सा मोशन होती है आपका? ऑसिलेटरी मोशन होती है कि नहीं? तो देखिए, ऑसिलेटरी मोशन मस्ट हैव टू प्रॉपर्टीज, यानी कि वो मोशन जिसमें अगर हमारे पास में दो प्रॉपर्टीज है तो हम समझ जाएंगे कि वो कैसा मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है या ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना, कि ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों एक ही चीज है कि नहीं? तो देखिए क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। पहला आइडेंटिफाई हमको ये करना है, फोर्स ऑन ऑसिलेटरी बॉडी, जो बॉडी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि आपका मेन पोजीशन से आगे और पीछे हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। जैसे ये क्या कहा कि जैसे जैसे उसका मेन पोजीशन से उस बॉडी का डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा फोर्स वो मेन पोजीशन की ओर लगाएगा। क्या बात समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि जैसे हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, ठीक, ये यहाँ पे गया और अटक गया, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगा कि जैसे जितना दूर ये इसका मेन पोजीशन है कि नहीं? अब इसको हम इस तरह से डिस्प्लेस किए, इतना दूर गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां बढ़ा, तो जितना ये बढ़ेगा उतना ज्यादा सेंटर की ओर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अब जा अटक गया तो फोर्स नहीं लगा रहा, तब अटका, तो क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा? पहला कैटेगरी किस तरह से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पता है ना? फोर्स ऑन ऑसिलेटरी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। जब भी वो बल लगाएगा किधर लगाएगा? मेन पोजीशन की ओर लगाएगा। अब उसको कितना भी यहाँ पे पकड़ कर रखो, जैसे ही छोड़ेगी वो किधर आने खोजेगा? मेन पोजीशन की ओर। और जितना डिस्प्लेसमेंट लेके जाएंगे उतना ज्यादा बल के साथ में वो मेन पोजीशन की ओर आएगा। क्लियर? ये पहला हम आइडेंटिफाई से कर सकते हैं। दूसरा आइडेंटिफाई करने का तरीका, एट एनी पॉइंट इन ऑसिलेशन दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। किसी भी पॉइंट पे आप रखें वो हमेशा उसका डायरेक्शन किधर होगा? मेन पोजीशन पर ही होगा। चाहे कुछ भी पॉइंट पे लेके रखें, उसका जो डायरेक्शन होगा वो मेन पोजीशन पर होगा। बात समझ में आया? चलिए ये देखिए, आपका सिंपल हार्मोनिक मतलब सिंपल पेंडुलम है, ये इसका क्या मेन पोजीशन है ना? यहां से हम इसको क्या करें, यहां तक उठा के लेके लाए, ये देखो। अब ये इसमें जो लगने वाला फोर्स किधर डायरेक्ट करेगा? मेन पोजीशन में। समझ पा रहे हैं? यहां पर तक हम लेके गए तब भी यहां पे लगने वाला फोर्स आपका मेन पोजीशन पे आएगा। बात पकड़ में आया? अब यहां पे ऐसा क्यों होता है उसका भी कारण देख लीजिए। यहां तक लेके लाए, इधर आपका क्या लग रहा है? mg, इधर ही तो लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? इधर mg लगा तो इस डायरेक्शन पे आपका क्या है? मोशन है, इसी डायरेक्शन पे तो जा रहा है मोशन। तो ये दोनों के बीच में क्या बना? एक एंगल बना। इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं? t। ये आपका जो वायर दिए हैं या जो रोप दिए हैं, धागा दिए हैं, उसका टेंशन क्या है?
टी है कि नहीं। तो यहां पे लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स है जल्दी बताइए, ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है? टी साइन ऑफ थीटा नहीं, और ये वाला कौन सा फोर्स? टी फोर्स ऑफ थीटा। ये बात समझ में आया? समझिएगा पॉइंट, अब पढ़ के रखे हैं ये चीज। ये mg को संभालने में t साइन थीटा बराबर हो जाता है, क्योंकि mg किधर लग रहा है? नीचे की ओर। तो mg को कौन संभाल रहा है आपका? t साइन ऑफ थीटा, और इसको गति कौन दे रहा है? t cos ऑफ थीटा। अब t cos ऑफ थीटा के चलते ही ये किधर आने खोजता है? मेन पोजीशन की ओर आने खोजता है। बात पकड़ में आया? और कुछ समय बाद में ये इधर भी जाता है। अब सवाल कि जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाए यहां से, वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज हुआ, ये बात है? Yes, sir. तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो फोर्स भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे पहुंचे? मेन पोजीशन पे पहुंचे, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। तो वहां पे फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। जीरो अगर फोर्स होना चाहिए तो ऑब्जेक्ट वहां आके क्या हो जाना चाहिए? रुक जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। इसका कारण यह है कि जब आप इसको यहां से लेके क्या करते हैं? छोड़ते हैं, जितना यहां से डिस्प्लेसमेंट करते हैं उतना फोर्स वो मीन पोजीशन की ओर लगाता है। मीन पोजीशन की ओर आता है, जब आते आते इस पोजीशन पे पहुंचता है तो इसका जो फोर्स है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। लेकिन इतना समय में वो बॉडी अपने आप में इनर्शिया क्रिएट कर लेता है। क्या कर लेता है? इनर्शिया क्रिएट कर लेता है। इनर्शिया का मतलब समझ में आता है? कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो वो चलते ही रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। बात पकड़ में आया है आप? इसीलिए यहां तो फोर्स हमारा क्या हो जाता है? जीरो होता है। लेकिन उस बॉडी में क्या क्रिएट हो जा रहा है? इनर्शिया। और उसी इनर्शिया की वजह से ये ऑब्जेक्ट आपका किधर जाता है? यहां तक जाता है। फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? अब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आपका फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा, लगेगा कि नहीं? सेंटर में आया तो फोर्स कितना? जीरो। लेकिन उस समय सब्जेक्ट में क्या क्रिएट हो जाएगा? इनर्शिया। उस इनर्शिया की वजह से फिर यहां यहां फिर और डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स उसको सेंटर मतलब मिड पोजीशन पर अट्रैक्ट करेगा। इस पोजीशन पे फोर्स जीरो, लेकिन इनर्शिया फिर क्रिएट। इस तरह से ये चलते रहेगा। बात पकड़ में आया? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझी? तो यहां पे यही दोनों बातें यहां पे लिखा गया है कि इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्लियर? चलिए अगला और एग्जांपल लेके चलते हैं आपको। ये बना रहे हैं आप? बनाएंगे, ठीक है? चलिए ये मान के चलिए ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल देखिए, ये आपका एक टेबल है ना? इस टेबल पे एक स्प्रिंग डालिए इस तरह से, और इस स्प्रिंग में क्या लगा दिए? ब्लॉक लगा दीजिए। बात पकड़ में आया? ये क्या है आपका? ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन पे क्या कर दिए? फोर्स लगा दीजिए। इस डायरेक्शन पे क्या लगा दीजिए? फोर्स, मतलब इस तरह से दाब दीजिए, है कि नहीं? तो ये प्रेस हो जाएगा। जैसे आप छोड़ेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर जाएगा। जब इस मिन पोजीशन पे आएगा फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन उस समय से इस ऑब्जेक्ट में इनर्शिया क्रिएट हो, इनर्शिया की वजह से ये ऑब्जेक्ट आपका इतना दूर चलाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इतना दूर आया तो इसमें क्या क्रिएट हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ। अब ये डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन पर आएगा, उस समय से फिर इसमें क्या क्रिएट होगा? इनर्शिया। इनर्शिया आएगा तो ये इतना दूर आ जाएगा। ये क्या बात पकड़ में आया? तो ये ऐसा ऐसा करते रहेगा, है कि नहीं? तो ये सब क्या है आपका? सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ पा रही है? हो गया, ये नोट कर लिए। चलिए और एक एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल समझिए। ये
यू टाइप का यूट्यूब देखें, मतलब ट्यूब देखें, यू शेप का देखें, इस तरह से ऐसा होता है कि नहीं होता है, ट्यूब यू शेप का। इसमें हम किसको भरते हैं? पानी, लिक्विड को क्या करते हैं? भर दें, ठीक। अब क्या होगा कि इधर से आप थोड़ा सा क्या दे दें? प्रेशर दे दें। एक ओर से क्या कर देते हैं? प्रेशर दे देते हैं। इसका मेन पोजीशन यहां पे है, ये इसका क्या है? मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन। प्रेशर देते हैं तो इधर का जो आपका वाटर का लेवल था वो इतना ऊंचा उठ जाएगा। यस सर। उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा। जब आप प्रेशर को यहां से रिमूव करेंगे तो ये वाला अपने मेन पोजीशन की ओर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मेन पोजीशन की ओर आते आते समय से उसमें क्या क्रिएट हो जाएगा? इनर्शिया। अब इनर्शिया क्रिएट हो जाएगा तो वो इधर आके ऊपर चला जाएगा, इधर कम हो जाएगा। अब इधर फिर मेन पोजीशन की ओर आएगा, उस समय से फिर इनर्शिया क्रिएट, ऊपर जाएगा। तो यहाँ का लिक्विड क्या होता रहेगा? इस तरह से डोलते रहेगा लाइफ टाइम, है कि नहीं? तो ये कैसा मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। बात पकड़ में आया? यस सर। और एक एग्जांपल बताएं, घर में जाके करेगी? हाँ, घर में जाके करेगी तो? हाँ, चलिए यहां पे बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सा कप लेना, क्या लेगी? कप। ये चाय पीने वाला नहीं, थोड़ा सा बड़ा, ठीक। कॉफी पीने वाला, बॉडी बनाने के लिए पीते हैं ना आजकल का कप, ठीक। एक क्या लेगी, क्या बोलेंगे उसको? बोल, मेटल का या जिसमें मास हो, बोल छोटा सा, ठीक। यहां पे बोल को लेके क्या कर देना? छोड़ देना, समझे? हाँ, नहीं, इसका जो वाल है उसमें लटका के उनको छोड़ देना है घर यहाँ, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर घर यहाँ, देख रही है? इस तरह से होते रहेगा। यह भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है कि नहीं? आया समझ में? यस सर। कोई चीज को पानी में डुबकी लगवाई है? yes. लगवाई है? yes. कोई कोर्ट को पानी में डुबकी लगाने का मतलब समझ में आता है? ये पानी है आपका, यहाँ पे कोर्ट लीजिए, इतना बड़ा, आधा पानी में डूबा हुआ है, आधा ऊपर में निकला हुआ है। yes. इसको प्रेस कर दीजिए, ठीक। जैसे प्रेस कीजिएगा तो इधर से योनसी फोर्स लगेगा, योनसी फोर्स उसको ऊपर उठाएगा, लेकिन इनर्शिया क्रिएट होने की वजह से फिर और नीचे जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, इस तरह से ऊपर और नीचे होते रहेगा। ये भी आपका क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है कि नहीं? जल्दी जल्दी नोट कीजिए एग्जांपल, बहुत एग्जांपल। क्या एग्जांपल हुआ? पांच। हाँ, और एग्जांपल बहुत है। क्लियर? यस सर।